हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं वेल्डिंग डिफेक्ट्स के बारे में। ये पार्ट वन वीडियो है, इसमें क्रैक्स और पोरोसिटी हम वेल्डिंग डिफेक्ट्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में मैं अगले वेल्डिंग डिफेक्ट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम दिखा दूँ आपको। हमारे पास अलग अलग प्रॉब्लम्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। सबसे पहले तो हम ये समझें कि आइडियल वेल्ड क्या होता है। देखिए, आइडियल वेल्ड कुछ इस तरह का दिखता है, ये प्रॉपर वेल्डिंग वाला। तो ये होता है कि आइडियल वेल्ड इस तरह से दिखना चाहिए, ये एक आइडियल वेल्ड है। अगर इस वेल्ड में प्रॉब्लम है कहीं पे, तो उसको हमें समझना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले है क्रैक्स। देखिए, क्रैक्स प्रोड्यूस हो सकते हैं हमारी वेल्डिंग में, उसके अलग अलग रीजंस होते हैं। उसमें क्या है कि सबसे पहले हमारे पास आ जाता है हॉट क्रैक्स। देखिए, हॉट क्रैक्स। अब हॉट क्रैक्स कैसे आते हैं? देखिए, जब हम किसी की वेल्डिंग करते हैं कहीं पे, तो वहां पे वेल्डिंग करते वक्त, यहाँ पे वेल्डिंग कर रहे हैं, तो हाई टेम्परेचर होता है। हाई टेम्परेचर होने के कारण क्या होता है कि रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। अब क्रिस्टलाइजेशन क्या है, देखिए इसके लिए आपको समझना पड़ेगा। जैसे आयरन कार्बन डायग्राम में हम जब हाई टेम्परेचर पे करते हैं कोई भी चीज, हम मालूम हमारे पास आयरन है, इसको हम गर्म कर रहे हैं। अब गर्म करते वक्त इसमें क्या होगा, रिक्रिस्टलाइजेशन होगा। बीसीसी स्ट्रक्चर जो है वो एफसीसी में चेंज होता है, ये आपने पढ़ा होगा। तो ये क्रिस्टलाइजेशन होने के कारण प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, उसमें स्ट्रेंथ में डिफरेंस आ जाता है। और दोबारा जब वो ठंडा होता है तो बीसीसी से एफसीसी में आता है, तो दोबारा फिर ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होती है। तो इस क्रिस्टलाइजेशन में जब हम गर्म कर रहे हैं, तब इसके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं, वो क्रैक्स हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो वो किस तरह से करते हैं, देखो हमारे पास कोई मान लो हॉट है चीज, अभी इसमें मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूं, तो क्रैक्स जो होंगे ना वो इसके अंदर आ जाएंगे यहाँ पे। तो इसके अंदर कुछ इस तरह से दिखेंगे कि हम गर्म कर रहे हैं किसी चीज को और उसको ही वेल्ड कर रहे हैं, और यहाँ पे अंदर क्रैक्स दिखेंगे, यहाँ पे अंदर क्रैक्स होंगे। तो जब हॉट कर रहे हैं किसी चीज को, ठीक है, तो यहाँ पे क्रैक्स आ जाएंगे इसके अंदर। दूसरा क्या है हमारे पास, कोल्ड। कोल्ड क्रैक क्या है, जब हम किसी मान लो प्रोडक्ट हमने वेल्डिंग कर ली है, तो तब इसमें जब हम इसको ठंडा करेंगे, ठीक है, कूल डाउन करेंगे, टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन जाएगा, उस वक्त क्या होगा कि इसमें टेम्परेचर नीचे आने के कारण इसके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं। वो धीरे 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 जब ठंडा होता है, तो ये जब ठंडा होगा तब ये क्रैक्स आएंगे, तो उसको हम कहेंगे कोल्ड क्रैक्स। तो देखिए, ये जो कोल्ड क्रैक है ना, ये इवन आपको ये देखने को मिल सकता है, चाहे आज आपने वेल्डिंग की है, एक या दो दिन के बाद भी, इवन आप ये देखो एक या दो दिन के बाद भी ये वाले क्रैक्स देखने को मिल सकते हैं, कोल्ड क्रैक्स, क्योंकि धीरे धीरे वो ठंडा हो रहा है, और वो धीरे धीरे ठंडा होने के बाद इसको इसमें क्रैक्स दिखने शुरू हो सकते हैं। तो ये जो होते हैं, ये मोस्टली जो होते हैं वो स्टील के प्रोडक्ट में होते हैं, जब आप स्टील के ऊपर वेल्डिंग कर रहे हो, ये याद रखें, स्टील के ऊपर जब आप वेल्डिंग करते हो तो उस वक्त ये हो सकता है। तो इसके कारण और क्या क्या है, देखिए कारण इसमें देख लेते हैं इसके। और इसमें एक चीज याद रखना, सबसे मेन जितने आपको मैं अभी करवाने वाला हूं, तो उसमें सबसे मेन है कि आप अपने सरफेस को क्लीन जरूर रखें। देखिए, इसमें सबसे बड़ा रीजन होता है कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होने का, कि सरफेस के ऊपर डस्ट है, उसके ऊपर रस्ट लगी हुई हो, उसके ऊपर पेंट किया हुआ है, मतलब सरफेस कंटेमिनेटेड है। ये एक रीजन तो ऐसा है कि आप लिख लो, ठीक है, इसको आपने हर जगह पे इसको लिख देना है, जो मर्जी प्रॉब्लम हो सरफेस कंटेमिनेट होगा तो वो प्रॉब्लम है ही है। तो सरफेस कंटेमिनेट एक प्रॉब्लम तो लिख ही लो हमेशा के लिए, ठीक है। और इसमें अब और क्या होती है प्रॉब्लम, हम अगर इसको प्री हीट नहीं करते, नो प्री हीट यूज। प्री हीट क्या होता है कि जब हम पहले बना रहे हैं, वेल्डिंग करने वाले हैं, तो उसको पहले हीट अप कर दें, हल्का टेम्परेचर उसका गर्म कर लें उसको, तब ये हमारे पास प्री हीट हो सकता है। तो प्री हीट होने के बाद ये प्रॉब्लम थोड़ी सी कम आती है। या इसमें देखिए हॉट क्रैक्स किस तरह से आ सकते हैं, और सल्फर या कार्बन की मात्रा, सल्फर या कार्बन की कंटेंट जो है वो मेटल के अंदर ज्यादा है। अगर ऐसा है
तो ये वाला क्रैक की प्रॉब्लम आ सकती है आपके पास, ठीक है। तो इसके लिए क्या करें, हमेशा आप याद रखें, देखिए ये वाला सरफेस कंटेमिनेटेड का सीधा सा है कि हमेशा साफ करें सरफेस को, कभी भी कोई भी आप काम करने लगे, कोई भी वेल्डिंग करने लगे, पहले आप सरफेस को क्लीन जरूर करें, प्री हीट कर लें, प्री हीट करने से ये प्रॉब्लम नहीं आती। अच्छा, एक और है कि पोलैरिटी, देखिए पोलैरिटी अगर आपने गलत लगा दी कि पॉजिटिव लगाना था, ठीक है, आपको पोलैरिटी वाली वीडियो दे दूंगा अलग से बना के कि पोलैरिटी क्या होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है हमारे पास, तो पोलैरिटी अगर गलत लगा दी, तो पोलैरिटी हमारे पास रिवर्स लगा दी, हमने गलत लगा दी, तो उसके कारण भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, ये क्रैक्स वाली प्रॉब्लम हमने पढ़ ली, अब आ रही है पोरोसिटी। अब देखिए पोरोसिटी क्या चीज है, पोरोसिटी के बारे में समझते हैं। देखिए जब हमारे पास वेल्डिंग कर रहे हैं हम, तो आसपास की जो हमारे पास एयर है वो एक वेल्ड के अंदर, हम यहां पे वेल्ड बना लें, वेल्ड के अंदर ट्रैप होगी, ट्रैप होने का मतलब वो फंस गई, ठीक है, एयर यहां पे आ गई और यहां पे एयर है, वो क्या हुआ, एयर एक तरह से बबल की तरह बीच में फंस गई और आसपास इसके वेल्डिंग हो गई, ठीक है, वेल्डिंग के अंदर एयर यहां बबल बन जाना, अब वेल्डिंग आपने कर रहे थे और बीच में एयर का बबल बन गया, ये क्यों होता है, ये होता है कि आसपास अगर मॉइस्चर कंटेंट अगर ज्यादा है, अगर आप देखो यहां पे आपने ऐसे कर दिया, बीच में तो रह गया ना, ठीक है, ये बबल जो क्रिएट हो गया ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम देता है मेरे भाई, और ये वेल्ड को बहुत ही कमजोर बना देता है, ये वेल्ड को बहुत कमजोर बना देगा। तो ये पोरोसिटी मजाक नहीं है, इन चीजों में आप मानोगे जो एक्सीडेंट्स होते हैं ना वेल्डिंग में मोस्टली, वो पोरोसिटी के कारण हो सकते हैं। बड़ी कंपनियां जो होती हैं, आपको अगर महंगा सामान बेचती हैं, तो उन्होंने टेस्टिंग कर रखी होती है, अब इसके अंदर है या नहीं है ये पोरोसिटी, इसके लिए एक्सरे टेस्टिंग होनी चाहिए, है ना, तो एक्सरे टेस्टिंग है वो और टेक्निक है, अगर वो नहीं करेंगे तो ये अंदर के इंटरनल जो ये बबल है ना, धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा और ये क्रैक धीरे धीरे बढ़ा के वेल्डिंग को तोड़ देगा। और अगर कहीं ऐसी जगह पे आप इसको लगा रखे, आपने वेल्डिंग की है, कि उसके कारण एक्सीडेंट हो सकता है बहुत बड़ा, बहुत लोगों की जान जा सकती है, तो ये पोरोसिटी प्रॉब्लम दे सकती है, तो आपने इसका ध्यान देना। अब इसका कारण क्या है, देखिए कारण है कि हमारे पास मेन है कि मॉइस्चर कंटेंट अगर आसपास ज्यादा है, ठीक है, अगर हमारे पास मॉइस्चर का कंटेंट ज्यादा है ना, तो ये प्रॉब्लम देगा ही देगा। तो आपको ये देखना है कि आसपास ज्यादा मॉइस्चर का कंटेंट ना हो, मतलब क्या है कि प्रॉपर शील्डिंग करो, गैस शील्डिंग जब हम करते हैं, प्रॉपर गैस शील्डिंग करनी पड़ती है, गैस शील्डिंग करनी पड़ती है, तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। तो हमारे पास देखिए ये शील्डिंग वाला भी आपको पढ़ना पड़ेगा कि किस तरह से आप गैस शील्डिंग कर सकते हो। और देखिए फिर से मेन कि अगर उसके ऊपर रस्ट लगी हुई है या पेंट कर रखा है, तो वो भी ये पोरोसिटी में दे पार्ट कर सकते हैं, प्रॉब्लम दे सकते हैं, तो आपको ये हमेशा याद रखना है इसके बाद। और इसमें देखो हमारे पास एक है कि अगर आप जब वेल्डिंग कर रहे हो तो लॉन्ग आर्क यूज कर रहे हो, आप लॉन्ग आर्क यूज कर रहे हो तब भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो काफी बार आपने इस चीज को नोट करना है कि आर्क बहुत मेन है, कि आर्क की लेंथ कितनी है, तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा।